नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले एक नई वैकेंसी बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिनों से हो रहा था कि यूपी गवर्नमेंट योगी जी की जो है वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की बम्पर भर्ती लाने वाली है। तो दोस्तों वो भर्ती अनाउंस हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल्स की लगभग 41,520 पोस्ट, जो कि दोनों मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, निकाली है। ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है और इसे आप ज़रूर भरें अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और फिजिकली फिट हैं, क्योंकि आजकल सरकारी जॉब के लिए तो लोग पीछे पड़े हैं, लेकिन वैकेंसीज़ की काफ़ी कमी है। लेकिन यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही ढेर सारी वैकेंसी निकाली है। तो वैसे तो कांस्टेबल का है ठीक ठाक सैलरी, आपको स्टार्टिंग में 32,000 के आसपास मिल जाएगी, जो कि कम नहीं है। और धीरे धीरे आप उसमें प्रमोट करके SI वगैरह भी फ्यूचर में सब इंस्पेक्टर वगैरह भी बन सकते हैं। तो उतनी बुरी जॉब नहीं, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप फिजिकली फिट हैं पुलिस की नौकरी के लिए तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्त भाई, वो शुरू होगा 22 जनवरी 2018 से और 22 फरवरी तक आप इसको मतलब भर सकते हैं, जो कि मतलब पूरे 1 महीने के लिए रहेगा। तो मैं तो सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि फॉर्म आते ही पहले ही वीक में भर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट के समय में इतने ज़्यादा लोग भरने का प्रयास करते हैं कि सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है और साइटें सही से खुलती नहीं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हो सके तो फॉर्म अपना पहले ही भर दें। और इसकी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, सब 400 रुपये आपका मतलब लगेगा। वैकेंसी डिटेल में अगर देखें तो मिनिमम आपके 18 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 साल एज होनी चाहिए और 10+2 मतलब इंटरमीडिएट आप पास हो, चाहे जो भी हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। पोस्ट जैसे कि यहाँ पर दो है, एक है कांस्टेबल सिविल पुलिस जो हमारी होती है थाने चौकी ऊपर, और एक जो है रिजर्व टेरिटोरियल आर्म्ड रूपीन जो है कांस्टेबल है। तो उसकी वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं, जनरल में 11,761, जनरल में 9,000, तो टोटल 41,000 के ऊपर के ही सारी वैकेंसीज हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं रिटर्न वगैरह सब निकाल लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है उनके लिए, लेकिन वो दौड़ ओढ़ नहीं पाते फिजिकली, थोड़ा मतलब उनकी मतलब प्रैक्टिस उतनी नहीं रहती है। तो इसमें आपको अगर आप मेल हैं तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी हाइट और वेट का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जैसे 168 सेंटीमीटर जो है जनरल के लिए है, ST के लिए 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 79 और 84 के बीच होना चाहिए। तो ये सब आप देख लें, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमने जो ये आर्टिकल है इसका लिंक, यूट्यूब का जो हमारा ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लें, वहाँ से जाकर पूरा देख लें। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसके बाद PET या PST एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका स्किल टेस्ट वगैरह होता है टाइपिंग वगैरह का वो सब। तो फिजिकली और फिजिकल वाला भी टेस्ट होगा आपका, रनिंग वनिंग का। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाएगा। तो अभी तो फॉर्म की खाली अनाउंसमेंट हुई है, 22 तारीख से भरा जाएगा, तो जो ये लिंक है ये 22 तारीख को एक्टिवेट होगा, लेकिन उससे पहले आप अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ना चाहें तो आप एक छोटी से छोटी भी जानकारी इसमें मिल जाएगी, आप यहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहाँ से खोल सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ बुक्स मैंने यहाँ पर उसका लिंक दे दिया है, जैसे 15 प्रैक्टिस सेट हैं कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो पिछले आए हुए हैं, एक जनरल नॉलेज की बुक है ये, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, इसे आप पढ़ें तो ये आपके 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो हल हो ही जाएंगे। और ये एक बुक मुझे दिखी थी, मुझे लगा कि शायद ये आपके काम आ सकती है, तो आप यहाँ पर इसे ओपन करके इसका लिंक है ये, इस बुक के बारे में पूरा देख सकते हैं, क्या है इसका रिव्यू वगैरह भी नीचे देता है। तो अगर आप चाहें तो कोई और बुक भी ले सकते हैं जो भी आपको सही लगे, तो मैंने लिंक वगैरह दे दिया है। तो कुल मिला के ये इतनी है चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी और नॉलेज इस जॉब के रिकॉर्डिंग चाहिए
तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वेबसाइट में भी कमेंट बॉक्स है, आप यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप ये हो सके तो अपने और भी दोस्तों के बीच सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी जॉब के बारे में पता चल जाए और समय रहते ही वो उसे भर दें। तो और हमारा यूट्यूब का चैनल भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही लाते रहते हैं न्यूज़ जॉब वगैरह से रिलेटेड, और उसकी तैयारी भी कराते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे NDA का फॉर्म आया है, आप वो भी भर सकते हैं, 10+2 लेवल पर ही है वो, तो ऑफिसर रैंक के लिए है, थोड़ा कठिन पेपर होता है, लेकिन फिर भी एक बार भर के अगर आप तैयारी करके देंगे तो ज़रूर ही आपका निकल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाद माता की जय, जय हिंद।